कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए चलिए आपका नहीं नहीं अग्नि जी वेरी गुड। अग्नि जी आप जाइए। कमान कमान गो अहेड ये बेस्ट ऑफ लक कम ऑन अग्नि। उसके भैया आउट कर देना आउट। हाँ जी। ये क्या खेलेगी? झूठ तो मैं बोलती नहीं, मैं होती तो दिखाती झटका। खेल नहीं सकती वरना तड़ातड़ रन बना देती श्लोक के लिए। ये बड़ा 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 क्या कैच पकड़ा है? आउट ऑफ है, कम आउट है, कम आउट है। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई बात नहीं, एक रन तो बना लिया होता। वसुंधरा जी, लगता है हमने जो सोचा था वो ठीक ही था। देखिए आलेख बाबू कितने खुश लग रहे हैं। क्या आप जाइए? I'm going. जाइए। अब तक तो आ जाना चाहिए था रणवीर को, कहाँ रह गए? ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। हाँ मैं खुद कॉल कर लेती हूँ। नंबर तो किसी जा रहा है। दो रन दो गए। रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे रणवीर? आखिर कहां रह गए रणवीर? इतने शौक से क्रिकेट का सारा प्रोग्राम बनाया था और अब खुद ही गायब है। बोजी आपका ओवर। आउट कर दूं? जल्दी जल्दी अच्छे से कर। मामा जी सबको आउट। मामा जी तो करेंगे। मामा जी अच्छे से खेलना। हाँ बेटा जी। कम ऑन। और 24 और 2 हो गए 26। अरे नहीं नहीं नानी जी आप गलत लिख रही हैं। उन्होंने 2 नहीं 1 ही रन बनाया है। ये 26 नहीं 25 है। मैं चौकन्नी होके खेल देख रही हूँ। 2 बनाया तो 2 ही तो लिखूंगी। 24 और 2 26। हाँ तो नानी जी देख तो मैं भी रही हूँ ना। झूठ तो मैं बोलती नहीं। उन्होंने 2 नहीं 1 रन बनाया, 1 ही 25 ही है। वीनू की बहू दिमाग तो तेरा पहले ही बंद था। चश्मा चढ़ा के आंखें भी बंद कर ली क्या है? मैं खेल देख रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ। तेरी तरह बैठ के पंखा नहीं झल रही। 24 और 2 26 ही हुए। अरे अरे भाई किस बात पे झगड़ा हो रहा है? देखो ना मम्मी, उन्होंने वहाँ पे 1 ही रन बनाया और नानी उनको यहाँ पे 2 रन दे रही है। कोई मैं कह रही हूँ तो सुन नहीं रही। 2 रन बनाए तो 2 ही तो लिखूंगी भाई। नहीं नानी जी 1 ही रन बनाया है। ओहो जब मालती कह रही है कि 1 रन लिया है तो आप 1 लिख दीजिए ना। वैसे भी भगवान झूठ ना बुलाए, आपको दूर का कहाँ दिखता होगा। समधन जी मैं तो बहुत दूर का देख लेती हूँ। माँ छोड़ो ना बच्ची है। ये लीजिए आलिक जूस पी लीजिए। नहीं रोज तुम थकी होगी ना। हाँ और तुम्हें तो चोट भी लगी है, तुम पियो। नहीं आलिक जी मैं बाद में पी लूंगी, आप अभी जल्दी से जूस पी लीजिए। चलो। नहीं कैप्टन मैं हूँ ना। हाँ तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। चलो चलो तुम पियो। ओके बाबा।
शराब आपको पीनी पड़ी। पीजी चल अब तुम पी। अब ये पूरी आपकी। That's going to be a 4. बहुत अच्छा खेल है। Good shot, good shot. बस इसी तरह खेलते रहो। मेरा ओवर तो यहाँ लगा। विनू कौन है? हाँ, वो अच्छी बॉल करता है। विनू, आओ बेटा। चलो, अभी ओवर एक्सचेंज। चौका मारा इसने। नानी जी मेरा भाई है ना, ये हो गए 42 रन। आउट नहीं होना। पैंतालीस हो गए। चलो भी थोड़ा ब्रेक कर, बैठ जाते। दोस्त सॉरी। सॉरी किस लिए आलिक जी? मैंने ही तुमसे कहा था ना मेरी टीम में आने के लिए। मेरी टीम में आके तुम हार गई ना, इसलिए। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं आलिक जी? सही तो बोल रहा हूँ दोस्त, मैं तुम्हें ना श्लोक श्लोक की टीम में होना चाहिए था। ऐसा आप सोच भी कैसे सकते हैं आलिक जी? आप मेरे साथ हैं तो भला मैं किसी और की टीम में जाने के बारे में तो सोच भी नहीं सकती। और हम हारे थोड़ी ना हैं। आप देखना, मैंने भगवान से प्रे की है, हम ही लोग जीतेंगे। अभी आप बोल दो।
चाची। देखो मैं जीत गया। तो तुम चाहती थी ना कि मैं मैच जीत जाऊं? हाँ देखो मैं मैच जीत गया। और तुम ये भी चाहती थी कि मैं हैप्पी हो जाऊं, है ना? देखो मैं हैप्पी भी हो गया। और पता है ये मैच ना मैंने सिर्फ तुम्हारे वजह से जीता है। हाँ दोस्त, ये क्या? अब तुम ये मत कहना कि ये खुशी के आंसू हैं। मेरी खुशी के ही तो आंसू है और आपने देखा हम ही जीते। थैंक यू सो मच आलोक जी, मेरी खातिर ये मैच खेलने के लिए। थैंक यू। मैं ना अपनी दोस्त को हैप्पी करने के लिए ना कुछ भी कर सकता हूँ। आलेख क्या खेलते हो यार तुम? वाकई आलेख बाबू, बहुत बहुत मुबारक। आपने ना बहुत अच्छी कप्तानी की। आलेख बेटा, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम क्रिकेट इतना अच्छा खेलते हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। आपने बहुत अच्छी बॉलिंग की, वेरी गुड। कैप्टन साहब कैसा लग रहा है जीत कर? बहुत हैप्पी हो ना? हमें तो पता था कि अगर हमारी टीम का कैप्टन आलेख होगा तो हम जरूर जीतेंगे। बिल्कुल। हाँ छोटी माँ, मुझे भी पूरा यकीन था आलेख जी पे, तो मुझे ना से। हाँ जी अजी, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काश मैं आपकी टीम में होती तो मैं भी जीत जाती, है ना? शर्मा जी, शाम काफी हो चुकी है, आप सब लोग भी बहुत थक गए होंगे। चलिए अंदर चलते हैं, कुछ चाय नाश्ता हो जाए। जी जैसा आप कहें। चले चले। दोस्त देखा मैंने वो अवनी अवनी सी को कैसे हरा दिया, है ना? और मैंने छोटी माँ को इसलिए कहा था कि छोटी माँ अब मार्क पे कर, देखो मेरा कितना अच्छा डिसीजन था, है ना? बहुत अच्छा था। अरे वो मेरे विकेट तो वहीं रह गए, दोस्त मैं लेके आता हूँ। और कोई बात नहीं आलेख जी, आप चलिए कोई नौकर ले आएगा। चलिए दोस्त, तुम भी ना, तुम्हें इतना भी नहीं पता जो जो टीम जीतती है ना, हाँ वो उसका जो कैप्टन होता है ना वो विकेट्स लेके जाता है। टीवी में देखा नहीं क्या तुमने? तुम चलो मैं लेके आता हूँ। हाँ ओके। अच्छा ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अंकल जी धन्यवाद किस लिए? ऐसा क्या किया मैंने? क्या नहीं किया है आपने श्लोक बाबू? एक आशा की किरण बनकर आए हैं आप आलेख बाबू की जिंदगी में। दोस्ती निभाना तो कोई आपसे सीखे। वाकई सोचता हूं तो मेरा दिल गदगद हो उठता है। अपना काम काज भूलकर अपने बचपन के दोस्त की खुशियां लौटाने के लिए जी तोड़ मेहनत करना, सच आलेख बाबू में जो भी आज सुधार आया है ना उसका श्रेय आपको जाता है। अंकल जी आलेख मेरा सबसे प्यारा दोस्त रहा है। बचपन में मैंने खिलखिलाते आलेख को देखा, उसके साथ अपनी खुशियां बांटी और आज एक मुरझाया हुआ आलेख। अंकल जी मैं अपने दोस्त को इस तरह छोड़ के कैसे जा सकता था? मैं कोई महान काम नहीं कर रहा हूं अंकल जी, सिर्फ अपनी दोस्ती का फर्ज निभा रहा हूं और इसलिए कोशिश करते रहता हूं। अंकल आज का ये मैच ये भी एक कोशिश थी ताकि मैं अपने दोस्त आलेख को खुश देख सकूं। जानता हूं बेटा, और आज मैंने देख भी लिया
कि आप अपने दोस्त के लिए क्या कर सकते हैं। आलेक बाबू की खुशी के लिए आपने जो भी किया उसी के लिए तो मैं धन्यवाद कह रहा हूं। जी मैं कुछ समझा नहीं। आप नहीं मानेंगे श्लोक बाबू, लेकिन मैंने तो देखा ना, आप जानबूझकर आउट हुए। हाँ, आप जानबूझकर हार गए ताकि आपके दोस्त को मैच जीतने की खुशी हासिल हो सके, है ना? रणवीर आप बहुत थक गए होंगे ना, एक काम कीजिए जाके फ्रेश हो जाइए, मैं तब तक खाना गर्म करती हूँ। नहीं रागिनी, एक्चुअली मैं ऑफिस में खाना खा चुका। रागिनी तुमने खाना नहीं खाया? रणवीर आपके बिना कभी खाना खाया है क्या मैंने? रागिनी आई एम सो सॉरी, वो एक्चुअली ऑफिस में इतना काम था एंड मुझे भूख लगी, मैंने खाना खा लिया। प्लीज तुम खाना खा लो। नहीं रणवीर मुझे भूख नहीं है। रागिनी थोड़ा सा खा लो। रणवीर मैं अकेले खाना नहीं खाऊंगी। ठीक है बैठो, अकेले खाना खाना भी नहीं चाहिए क्योंकि तुम खाना मेरे साथ खाओ। ऑफिस में इतना सारा काम था मैं तो भूल ही गया कैच मैच था। कैसा रहा मैच? बहुत अच्छा रणवीर, सबने बहुत ज्यादा एंजॉय किया और आपकी जगह श्लोक जी को कैप्टन बनाया गया था। रणवीर हमारा प्लान कामयाब हो गया, जिया जी बहुत खुश थे, मैच जो जीत गए थे। पता है रणवीर मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने क्या, एक्चुअली पूरी फैमिली ने बहुत ज्यादा मिस किया आपको, खासकर जिया जी ने। ठीक है मैं भैया से मिल के आता। लेकिन रणवीर जिया जी कहीं सोना गए हो? मैं देख लूंगा। ये मैच तो पिकनिक वाले मैच से भी अच्छा था। वाओ कितना मजा आया, सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। हमें ना हमेशा इस तरह का कुछ ना कुछ प्लान करते रहना चाहिए, सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और आपने तो क्या खेला है आलिक जी, वाह मैं तो बहुत खुश हूँ आपकी जीत से। क्या बात है आलिक जी, मैं कब से आपसे बातें करे जा रही हूँ पर आप कोई जवाब ही नहीं दे रहे। ओ शायद आप थक गए। आप
को भूख लगी है, मैं आपके लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। विदाई विदाई रीत ये कैसी है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।